कंस्ट्रक्शन से संबंधित कभी भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वाली वीडियो की जरूरत हो तो आप कॉन्ट्रैक्टर जी के वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपको सबसे सही और सटीक और सबसे सच्ची जानकारी आपको मिलेगी। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा था कि सर ओपन टेरेस पर विट्रीफाई टाइल्स लगा सकते हैं क्या, उसमें कोई सीपेज या लीकेज का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। एक दूसरे यूजर ने कमेंट करके यह पूछा है कि छत पर टाइल्स लगाने के लिए अगर एडहेसिव केमिकल काम में लिया जाए तो सीपेज और लीकेज को रोका जा सकता है या नहीं। और एक तीसरे यूजर ने यह पूछा है कि छत पर टाइल्स लगाने के लिए ऐसी कौन सी टाइल्स की कैटेगरी का चुनाव करें जो छत पर टाइल्स लगाने के लिए सबसे बेटर रहेगी। यह तीनों ही सवाल जेन्युइन और वाजिब हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सादे सिंपल शब्दों में आपको एक वीडियो बनाकर इसकी जानकारी देनी चाहिए। नमस्कार मेहमान, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपको भवन निर्माण से संबंधित सबसे सही और सटीक जानकारी। तो उनका पहला सवाल यह था कि विट्रीफाई टाइल्स को ओपन टेरेस पर लगवा सकते हैं क्या, कोई लीकेज या सीपेज तो नहीं होगा। इसका सीधा सा एक ही जवाब है कि हाँ, आप ओपन टेरेस पर विट्रीफाई टाइल्स लगवा सकते हैं। और बात रही लीकेज और सीपेज की, तो छत पर अगर आप टाइल्स लगाएंगे तो लीकेज तो जरूर होगा अगर आपने टाइल्स लगवाने से पहले वाटरप्रूफ नहीं करवाया है। आज तक किसी भी कंपनी ने ऐसी कोई टाइल्स नहीं बनाई है जिसको छत पर लगाया जा सके, लेकिन लोकेशन वाइज और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सही टाइल्स को सही प्रोसेस के साथ लगाया जाए तो लीकेज और सीपेज को रोका जा सकता है। विट्रीफाई टाइल्स की बजाय पोर्सोलिन अथवा सिरामिक टाइल्स लगाई जाए तो रिजल्ट ज़्यादा बेटर आएंगे। ग्लोसी या चमकदार टाइल्स लगाने की जगह मेट फिनिश या वुडन पैटर्न की टाइल्स लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और छत पर अगर टाइल्स लगा रहे हो तो पेपर जॉइंट कभी मत लगाना, उसमें 2-4 mm की स्पेस देकर उसमें एपोक्सी जरूर भर लेना, नहीं तो 2-3 साल बाद ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी और सारी की सारी टाइल्स तोड़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं उस कमेंट की जिसमें पूछा गया था कि अगर टाइल्स को एडहेसिव केमिकल में लगाया जाए तो क्या लीकेज बंद हो जाएगा। देखिए सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एडहेसिव का वाटरप्रूफ के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। एडहेसिव का काम है टाइल्स को पकड़ना, ना कि टाइल्स के नीचे से पानी जाने को रोकना। एडहेसिव में लगाई गई टाइल्स भी खाली या पॉली रह सकती है और जॉइंट खुले होने पर वहाँ से पानी लीकेज हो सकता है। इसलिए कोई मिस्त्री या ठेकेदार आपको यह कहता है कि एडहेसिव में टाइल्स लगाने से आपका लीकेज प्रॉब्लम बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब है उसको मालूम नहीं है, वह झूठ बोल रहा है या फिर उसके अंदर नॉलेज की कमी है। अब बात करते हैं उस तीसरे कमेंट की जिसमें मुझसे पूछा गया था कि सर मुझे छत पर टाइल्स लगानी है लेकिन मुझे अभी तक यह नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी टाइल्स लगानी चाहिए। देखो साहब जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो सिर्फ छत के लिए ही टाइल्स बनाती है। अगर कोई कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर या रिटेलर यह दावा करता हो कि हमारी टाइल्स आपकी छत के लिए बनी है और यह लीकेज सीपेज को रोकने के लिए सक्षम है, तो वहीं पर आप समझ जाना कि यह व्यक्ति फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है या फिर अल्पज्ञानी है। इसको इस बात का नॉलेज नहीं है कि जॉइंट में से पानी नीचे जा सकता है। अगर फिर भी आपने मन बना लिया है कि मुझे छत पर टाइल्स ही लगानी है तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्टर जी को फॉलो करके रखा है। तो इस पर मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें डिटेल में बताऊंगा कि कौन से मटेरियल, कौन सी साइज, कहाँ और कैसे लगानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।